तो देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास ये था कि हमने बहुत आसानी से करा था कि कोवलेंट कंपाउंड में पोलरिटी के साथ उनमें कौन से करेक्टर आते हैं, आयनिक। आयनिक कंपाउंड में भी पोलरिटी के साथ क्या आएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन ये बात मुझसे पहले किसने निकाला, फजांस रूल ने। तो हमारे लिए टॉपिक क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा बहुत अच्छा, पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड में पोलरिटी आने के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कोवलेंट की तरफ पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे अगर किसी में कहा जाए, आदमी है भैया इसमें औरतों वाले लक्षण है, तो वो औरतों की तरफ मुंह कर रहा है। कोई औरत है इसमें आदमी वाले लक्षण है यानी फिल, तो वो आदमियों की तरह मुंह कर रहा है। तो यहां ये बताइए, पोलरिटी ज्यादा होना आयनिक कंपाउंड में किस तरफ मुंह करेगा, जल्दी से बोलो, कोवलेंट की तरफ या आयनिक की तरफ, कोवलेंट। तो मोर पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड, मोर कोवलेंट करेक्टर। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाता है, मोर पोलरिटी इन कोवलेंट कंपाउंड, मोर आयनिक करेक्टर। आ रही है बात समझ में, यानी कि हम यहां पर बात ये है कि अगर आयनिक मॉलिक्यूल है और उसमें पोलरिटी है, तो वो किस तरह मूव करेगा, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड की तरह मूव करेगा। और अगर कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है और उसमें पोलरिटी है, तो वो कहाँ जाएगा, आयनिक कंपाउंड की तरफ या आयनिक नेचर की तरफ। समझ में आ रहा है, तो कोवलेंट कंपाउंड में पोलरिटी होने से आयनिक करेक्टर आएंगे। और हम आयनिक करेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा एक अलग से हेडिंग था जो मैंने आपको करा दिया था, बाय इक्वेशंस मेथड अपन ने करा था। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू, आपको याद होगा, 16 डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। पक्का या सुनो, तो ये हमारे पास हो गया, बहुत इजी है, कोई ज्यादा खास है नहीं। और दूसरा हमने वो भी निकाला था डाइपोल मोमेंट से भी, तो ये हमारे पास एक बेसिक सा फंडा हो गया। लेकिन हमारा काम है पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड में कमेंट करना, यानी कोवलेंट कंपेयर करना। तो हम यहां पर कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है डायरेक्टली जिससे हम परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर बता सके, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं ये इससे ज्यादा आयनिक है या ये इसके ज्यादा कोवलेंट है। ठीक है, तो यूज फजांस रूल। तो यहां हमारे को फजांस रूल हेल्प करेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल फजांस रूल हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है, हेडिंग डाल लीजिएगा फजांस रूल। तो चलिए कुछ पॉइंट्स फजांस रूल। ये हमारे पास फजांस क्या बोलता है, इसकी हेल्प हम देखते हैं। तो लिखिए, फजांस रूल हमारे लिए क्या, हाँ हेल्प कर रहा है। इट इज यूजफुल टू डिटर्म टू शो पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। अब अगला पॉइंट होता है हमारा कि पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड है क्या, पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड, सेकेंड पॉइंट। इन आयनिक कंपाउंड देखिए, ये आपके पास केटायन है, सही है, ये आपके पास क्या है, एनायन है। ये केटायन, इसका नाम केटायन है, पॉजिटिव आयन, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव आयन।
कोई भी आयन केटायन कब होता है? जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो प्रोटॉन से, और एनायन कब होता है? जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई पोलरिटी नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसने लिया, लेकिन देके वापिस मांग रहा है, गलत बात है ना? वही, उसी को पोलरिटी बोलेंगे। तो ये जब एक दूसरे के पास है ही, और पोलरिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट होगा, यानी जो आपके पास ऐसे था और ये ऐसे था, ये अब इस तरह से शिफ्ट होने लग गया। तो इसकी वजह से यहां पर पोलरिटी जनरेट हुई है। तो कुल मिला के ये क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हुआ है और ये क्लाउड इस तरफ हुआ है। तो पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड क्या है, एक तरह से मैं इसको बोलूंगा बैक शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम एनायन टू केटायन साइट इज कॉल्ड पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड। एंड ड्यू टू दिस पोलरिटी, दिस पोलरिटी आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस, आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। एंड कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास पोलरिटी है, और पोलरिटी कुल मिला के मोर पोलरिटी मोर कोवलेंट करेक्टर, आप फाइनली बोल सकते हो मोर कोवलेटी मोर पोलरिटी मोर कोवलेंट करेक्टर, ये हमारे पास है। फजांस कमेंट ऑन पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, फजांस कमेंट ऑन पोलरिटी इन आयनिक बॉन्ड। तो वो बता सकता है, और एक बेसिक बेसिक सा तो हम भी बता सकते हैं, भैया इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ये आसानी से देगा। लेकिन ये बात हमारे से पहले किसने बोल दी? फजांस ने। तो फजांस बहुत आसानी से बोल देता है कि फजांस इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, यानी फजांस इफेक्ट का मतलब ही ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हमारे पास क्या बोलते हैं? फजांस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए फजांस रूल भी हो गया, फजांस इफेक्ट भी हो जाएगा। फजांस इफेक्ट क्या हो गया? एक तरह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम नेगेटिव आयन टू पॉजिटिव आयन। तो कौन से फैक्टर हैं जो फजांस इफेक्ट को और अच्छे से समझाते हैं, हम उस पर मेहनत करेंगे। चलिए पहले ये चीज लिख लीजिए, हम यहाँ बैकवर्ड क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई पहले तो केटायन बनने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन दिया और वापस छीन रहा है, कि यार दिया क्यों था? क्योंकि इससे उसका ऑक्टेट आ जाए। छीन क्यों रहा है? क्योंकि अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव है, तो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरी तरह से ले लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, बस लेने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए अपन इसको बैक शिफ्टिंग बोल रहे हैं। क्लियर है? तो फजांस रूल हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और फजांस रूल के लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालना पड़ेगा फजांस रूल फॉर केटायन। केटायन के लिए कैसे लगेगा ये वर्ड? तो
तो लिखी है कैटायन के लिए, पहला फर्स्ट पॉइंट चार्ज ऑफ कैटायन। तो देखिए आप जानते हैं जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, तो मोर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन मोर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड शो मोर शिफ्टिंग या फजान इफेक्ट, या लास्ट में शो कर सकते मोर पोलराइजेशन, शो मोर कोवलेंट करेक्टर। ये बात फजांस ने बताई और पहला फैक्टर था हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपके लिए यहां पर क्या देखने को मिलेगा, पोलरिटी ज्यादा है। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते कि Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 अगर इनके कैटायन बनाए जा रहे हैं तो यहां पर सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3 और इनके जो सॉल्ट होंगे उसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा खींचेगा तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे। तो आपके लिए ये बिल्कुल सही है कि अगर आपसे यहां पूछा जाए कि पोलरिटी किसमें ज्यादा होगी, पोलरिटी तो आप बोल सकते हैं पोलरिटी सबसे ज्यादा इसमें होगी और मोर पोलरिटी मोर कोवलेंट करेक्टर शो करता है। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में, सोडियम सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन बनाएगा, एल्यूमिनियम, सोच के बोलो ना। तो आपने बहुत सही पॉइंट्स को पकड़ा है कि जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी कोवलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा, शो मोर कोवलेंट करेक्टर एंड लेस आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर। तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फर्स्ट चार्ज ऑफ कैटायन, सेकंड हमारे पास हो जाएगा चार्ज ऑफ कैटायन के बाद साइज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ कैटायन। चलिए मान लीजिए चार्ज सेम है तो साइज के साथ क्या चेंज होगा, उस समय हमारे पास रहेगा कि जितना ज्यादा छोटा कैटायन होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और सामने वाले को उतना ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भाई रेडियस आर कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इजीली खींचेगा सामने वाले को, पोलरिटी ज्यादा होगी। तो क्या बोलोगे, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन शो हाई चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड शो हाई पोलराइजेशन। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर पोलराइजेशन पावर हमें लिथियम सोडियम पोटेशियम और रूबिडियम और सीजियम में करना पड़ा तो सबसे ज्यादा पोलरिटी किसकी होगी ज्यादा, बोलो जल्दी से, पोलरिटी पोलरिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, और जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उतनी ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगी और उतनी कम आयनिक करेक्टर होगा। तो अभी तो आप सिर्फ पोलरिटी पढ़ लीजिए, पोलरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी पोलरिटी यानी पोलराइजेशन पावर, पोलरिटी का मतलब यहां पर क्या है, पोलराइजेशन पावर। पक्का, तो ये सामने वाले को पोलराइज कर लेगा खुद, सामने वाले का मतलब पूरा मॉलिक्यूल पोलराइज कर देगा। तो इसीलिए लिथियम के कंपाउंड जितने भी होंगे उनमें आयनिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल एलआई, लिथियम कंपाउंड्स आर
लेस आयनिक इन नेचर एज कंपेयर टू सीजियम। तो यहां की पॉइंट डल सकता है लिथियम कंपाउंड्स आर लेस आयनिक इन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। तो लिथियम जितना भी है उसके अंदर सबसे कम यही है और सीजियम सबसे ज्यादा बनाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मेटल में एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन आयनिक बनाएगा, सबसे ज्यादा सीजियम। और सीजियम और कैल्सियम में भी सीजियम, क्योंकि कैल्सियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, मोर पॉजिटिव चार्ज मोर पोलराइजेशन। तो हमारे पास दोनों ही फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनिक कौन बनाने की कोशिश करेगा, सीजियम, अभी तक के फैक्टर में। थर्ड हमारे पास आएगा, एक और फैक्टर हमारे पास आ रहा है और वो है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस, तो हमारे पास थर्ड नंबर का फैक्टर आ रहा है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं, उनके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, लिखते जाओ मेरे साथ, वी नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, सो देयर पोलराइजेशन पावर इज रिलेटिवली हाई। एंड शो हाई कोवलेंट कैरेक्टर एंड लेस आयनिक कैरेक्टर, एंड लेस आयनिक कैरेक्टर, ये हम बोल सकते हैं। यानी अगर हमसे पूछा जाए Ca प्लस टू और Hg प्लस टू पोलरिटी किसकी ज्यादा होगी, यानी पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, Hg प्लस टू, क्यों, क्योंकि वो डी ब्लॉक का है और डी ब्लॉक होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है। आप जानते हो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट, कम होने की, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास क्या होता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन होता है। डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये इसका एक पॉइंट हो गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिससे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो डी ब्लॉक के जो मेटल हैलाइड है, हाइड्रोक्साइड है, उनमें आयनिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा, और कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अब तीनों फैक्टर पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके कोवलेंट करेक्टर क्या होने हैं, कम होने ही है, सॉरी आयनिक करेक्टर कम होने ही है और कोवलेंट करेक्टर बढ़ने। तो मोस्ट आयनिक बनाने वाला मेटल आयन कौन होगा, क्या बात है, अच्छे समझ में आ गया। तो सीजियम सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर बनाने वाला एलिमेंट हो गया आपके पास। तो ये तो आपने पढ़ा कैटायन में, अब बात आती है एनायन के लिए। एनायन के लिए भी हमारे को पढ़ना है, यानी फजांस रूल फॉर एनायन, लिख लो बेटा, हेडिंग डालेगा फजांस रूल फॉर एनायन। भाई एनायन के लिए भी लगेगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यूनिट ऑफ एनायन, यानी कितना एनायन की यूनिट है, यानी यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हमारे लिए क्या होगा, इसके अंदर मोर नेगेटिव चार्ज, मोर इजीली पोलराइज्ड। इसको पोलराइज नहीं करना है, इसको पोलराइज होना है, एक तो होता है सामने वाला कर रहा है और खुद को होना है, तो कुल मिला के वैसे ही है, मोर नंबर ऑफ यूनिट चार्ज, नेगेटिव यूनिट चार्ज
मोर इजीली पोलराइज, भाई इसके पास कोई आया कि भाई मैं तेरे को पोलराइज करना चाहता हूँ, तैयार हूँ आ जा, बस वैसे ही है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें हमारे पास कुछ आयन है, एक है मेरे पास सी एल माइनस, एक है मेरे पास ओ टू माइनस, एक है मेरे पास एन थ्री माइनस। किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा, इस पे माइनस वन यूनिट, माइनस टू, माइनस थ्री। तो पोलराइजेशन कहाँ हो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, नाइट्राइड में, फिर ऑक्साइड में, फिर क्लोराइड में, सही है। तो ये हमारे पास पोलराइजेशन हुआ। सेकंड, साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एन आयन। आप सोचिए एन आयन की साइज जितनी ज्यादा होगी उतना आसानी से पोलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमारे पास साइज ऑफ एन आयन में ये देखना पड़ेगा कि पहले तो चार्ज सेम हो, क्योंकि ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। साइज ऑफ एन आयन, बिग साइज ऑफ एन आयन, बिग साइज ऑफ एन आयन शो लेस जेड इफेक्टिव, या ये बोला जाए लेस कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बहुत बड़ा क्लाउड है, लेस कंट्रोल ज्यादा अच्छा से रहेगा, लेस कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, सो इजीली पोलराइज। इसे खींचना थोड़ी ना, इसे तो देना है। इस सामने वाला लेने आया है, बहुत दूर है, ले जाएगा। तो यहां तो बहुत आसानी, इसका कंट्रोल नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे बड़ी साइज होने की वजह से। तो बिग साइज ऑफ एनायन शो इजीली पोलराइजेशन कुल मिला के। तो अगर आपके पास एफ माइनस है, सी एल माइनस है, बी आर माइनस है, आई माइनस है, तो आप खुद ही बताइए पोलराइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, पोलराइजेशन आई माइनस में सबसे ज्यादा होगा। तो कोवलेंट करेक्टर भी उसके सबसे ज्यादा होंगे। तो हमारे लिए नेट क्या रहा अभी तक जो हमने समझा है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर ध्यान से सुनना, पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है और इस तरफ ऊपर से नीचे आने पर पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसमें बनेंगे, डिक्रीज और फिर ये यहां, यहां कौन है हमारे पास फ्लोरीन, और यहां हमारे पास कौन है सीजियम, सीजियम प्लस फ्लोरीन माइनस। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा हमारे लिए, वो हमारे लिए मोस्ट आयनिक कंपाउंड होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और वो ये है मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड ये सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड होगा सभी कंपाउंड में, यानी मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज सीजियम फ्लोराइड। तो जब मेटल में नीचे जाएंगे तो आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे, और इस तरफ जाएंगे तो आयनिक करेक्टर कम होंगे। आयन के अंदर इस तरफ आएंगे तो आयनिक करेक्टर कम होंगे, और इस तरफ आएंगे तो भी आयनिक करेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए मैंने ये और वो पकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का अच्छे समझ में आ गया। तो आप इस तरफ से जा रहे हो, तो यहां हमारे लिए बहुत आसानी से ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया, कोई ज्यादा नहीं। तो फजांस रूल ने आपको बहुत हेल्प करी आयनिक करेक्टर पे कमेंट करने में। कैलकुलेट नहीं कर सकते आप कि आयनिक करेक्टर कितना है फजांस के थ्रू, लेकिन हाँ ये बता सकते हो कि कौन ज्यादा आयनिक है, कौन
कम आयनिक है और क्यों है, लेकिन आयनिक कंपाउंड पता लगाने पे यानी करेक्टर बताने से हमारे बहुत सारे पॉइंट भी इजी होते हैं, जैसे उनकी क्या कहते हैं लैटिस एनर्जी पे हम कमेंट कर सकते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, उनकी सॉल्युबिलिटी पे हमारे को हेल्प मिलती है, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उन सब में हमारे को हेल्प मिलती है। तो चलिए आगे हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल में, शो द पोलरिटी ऑर्डर इन फॉलोइंग, पोलरिटी या कोवलेंट कंपाउंड एक ही बात है, ठीक है, कौन ज्यादा कोवलेंट होगा, और पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा और आयनिक कम हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक तरह से क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एक तरह से पोलरिटी, तो सबसे ज्यादा पोलरिटी किसमें होगी, आप भी बताइए आंसर क्या होगा इनका, क्या ये सही है, ये पोलरिटी ऑर्डर है, आयनिक ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाता है, इस जगह आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी। मैंने ये कैसे आंसर इतना फास्ट लिखा है, साइज जितना कैटायन छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, उसकी मैग्नेटिक पावर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगी, पोलरिटी ज्यादा होगी, आयनिक करेक्टर कम होगा, हमसे पोलरिटी पूछ रहा है, हमारा आंसर ये है। यहां हमारे पास कंपाउंड दे दिया, तो हमें ये देखना है कोई एक चीज कॉमन दे रखी होती है और एक वेरिएबल है, तो आयोडीन नेगेटिव आयन है, बड़ा साइज है, होल्ड ही नहीं है खुद के एन आयन चार्ज पे, सामने वाला इजीली ले जाएगा, तो पोलरिटी सबसे ज्यादा आयोडीन की होगी। यस और नो, इन सब में एन आयन सेम है तो अलग कौन है, कैटायन, तो पोलरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की, हमें वो देखना है जो कॉमन नहीं है, उसके बेसिस पे हमें करना होता है। बेरिलियम ऑक्साइड ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं बेरिलियम ऑक्साइड की, तो बेरिलियम ऑक्साइड्स को हम कैसे देखेंगे, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एसआर यानी ऑक्साइड, यहां दिक्कत क्या आ रही है, हाँ पोलरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, डाउन द ग्रुप जाने पे पोलरिटी कम होगी मेटल के केस में पक्का, और नॉन मेटल के केस में बढ़ती है। अब ये तो डाउन द ग्रुप एक ग्रुप के है ही नहीं, लेकिन ये डी ब्लॉक का है, इसको एडवांटेज मिलेगा कि पोलरिटी पावर इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी डी ब्लॉक होने की वजह से। अब यहां पर दो तो फर्स्ट ग्रुप के हैं और बाकी तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी पोटेशियम की पोलरिटी कम होगी, फिर बैरेली और इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर +2 चार्ज है, +3 है, +1 +1, तो सोडियम और इसके अंदर हमारे पास ये ऑर्डर रहेगा, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, नंबर वन BF3, BeCl, BF2, NaF, और सबसे कम होगी KF, क्योंकि सबसे छोटा भी है, सॉरी सब सोडियम के कंपेयर में बड़ा है और चार्ज भी कम है। K2O बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि इनमें सबसे ज्यादा ZnO की डी ब्लॉक का फायदा मिल गया इसको, और यहां पर +2 है, यहां पर +1 है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा पोलरिटी बढ़ेगी। NaCl, KCl, BeCl2, इन दोनों में कौन में ज्यादा पोलरिटी होगी, यहां और यहां, इन दोनों में इसमें होगी, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, BeCl2 और MgCl2 में MgCl2 की ज्यादा होगी या BeCl2 की ज्यादा होगी, BeCl2 की ज्यादा होगी, और इसको डी ब्लॉक का फायदा मिल गया ZnCl2 को। हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, कुछ पूछना है अच्छे से लिखो इसको। देखो एक पॉइंट केस स्टडी करते हैं अपन, बहुत अच्छी, फिर लिखिए आप बार बार भूल रहे हैं, H2 एंड HCl, समझ में आ रहा है, और एक LiF एंड CsF, सीजियम फ्लोराइड, पहले तो ये बताइए कंपाउंड है क्या, कोवलेंट या आयनिक, और ये क्या है, आयनिक, ठीक है, केस स्टडी है कि आपको कंपेयर करना है आयनिक करेक्टर, कंपेयर आयनिक करेक्टर, तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, पहले तो ये बताओ, बोलो यस और नो, तो यहां पर कोवलेंट
कोवलेंट कंपाउंड में पोलरिटी देखी जाएगी, H2 और HCl में HCl ज्यादा पोलर है और मोर आयनिक करेक्टर। इन कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, बार बार मैं बोल रहा हूं, कोवलेंट कंपाउंड में मोर पोलरिटी मोर आयनिक करेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन ज्यादा आयनिक होगा? HCl। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? HCl इज मोर आयनिक एज H2। H2 में पोलरिटी है कहां? बहुत कम है, या ना जीरो ही मानेंगे, नॉन पोलर ही बोलेंगे। तो हम इसको बोलते क्या है H2 को? फिर रिजल्ट हमारे पास होता है, H2 को बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, और इसको बोलेंगे पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। पोलर नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, बात को समझो। LiF और CSF दोनों आयनिक है और यहां पर भी पोलरिटी है, तो ये आयनिक मॉलिक्यूल है, और आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास रहेगा कि पोलरिटी किस में ज्यादा होगी? LiF में किससे? सीजियम फ्लोराइड से, बाय फजान्स रूल। फजान्स रूल आपने अच्छे से पढ़ ही लिया। तो जब पोलरिटी ज्यादा होगी तो यहां पर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, तो यहां पर उल्टा होता है, मोर पोलरिटी लेस आयनिक करेक्टर। इन आयनिक कंपाउंड तो रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास? सीजियम फ्लोराइड इज मोर आयनिक एस लिथियम फ्लोराइड। ये इसलिए मैंने कराया कि आपको बार बार बताना चाहता हूं मैं कि आप पोलरिटी का मतलब ये मत लिख लीजिएगा कि एक ही मीनिंग होता है, पोलरिटी के अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। पोलरिटी का वैसे रियल मीनिंग तो ये है कि जो है उसके अपोजिट जाना, ठीक है ना। अगर आयनिक है तो कोवलेंट की तरफ जाना, कोवलेंट है तो आयनिक की तरफ जाना। लिखिए इसको।